तो दोस्तों फाइनली मेरे पास आ चुका है Realme का Realme 9 Pro Plus, जो कि मुझे थोड़ा सा लेट यहाँ पे डिलीवर हो चुका है क्योंकि यहाँ पे मुझे फर्स्ट टाइम डिलीवरी की तरफ से डिलीवर किया है। सो ऑब्वियसली आपको डिलीवर तो लेट ही हो जाएगा। एंड ये एक इंडियन रिटेल यूनिट बॉक्स है जो कि मैंने फर्स्ट सेल में परचेस किया था 21999, मतलब कि 22000 में मैंने इसको परचेस किया था। तो चलिए सबसे पहले रिटेल बॉक्स को अनबॉक्स करेंगे। सो इसके अंदर आपको मिल जाएगा Realme 9 Pro Plus का रिटेल बॉक्स, उसके बाद देखेंगे आपको बिल मिल जाएगा जो कि 21999 का बिल है। इसके बाद जो प्लास्टिक रैपर है तो प्लास्टिक रैपर को हम जल्दी से निकाल देंगे एंड बॉक्स देखेंगे कुछ इस प्रकार से मिल जाता है। वैसे दोस्तों बॉक्स तो सेम है, बट आपको जो टेक्सचर है लाइनिंग वाला टेक्सचर आपको बॉक्स में भी ऐड किया गया है। बॉक्स के बैक साइड में देखेंगे कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन किए गए, जैसे कि सोनी MX766 का OIS कैमरा मिल जाता है, मतलब कि 50 megapixel का कैमरा है। Dimensity 920 5G प्रोसेसर है, 60W का सुपर डॉट चार्जिंग है, उसके बाद 90Hz का स्मूथ एमोलेड डिस्प्ले है। बाकी डिटेल्स तो चलिए वीडियो में बता ही देंगे। बाकी चलिए फोन को करेंगे अनबॉक्स, क्या निकला। एंड सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको डेयर टू लिप का एक छोटा सा पैकेट, मतलब कि बॉक्स मिल जाता है। उसमें क्या क्या मिलता है, सिम इजेक्टर टूल सिम कार्ड ट्रे को निकालने के लिए। उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे कि सेफ्टी गाइड एंड क्विक स्टार्ट गाइड है। डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपको मिल जाता है TPU ट्रांसपेरेंट बैक केस कवर, जो कि काफी प्रीमियम क्वालिटी का है। एंड इस बार आपको थोड़ा सा ग्रे टाइप का कवर मिल जाता है जो कि इतना जल्दी यहाँ पे पीला नहीं पड़ेगा। एंड इसके बाद दोस्तों आपको मिल जाता है Realme 9 Pro Plus का हैंडसेट। एंड दोस्तों मैंने स्पेशली यहाँ पे ब्लू कलर को परचेस किया है, तो प्लास्टिक रैपर को निकालेंगे जो कि यार इतना जल्दी नहीं निकलता है, कितना भी जोर जोर से निकालू नहीं निकलता। चलो मैंने इसको फाड़ दिया। सो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं Realme 9 Pro सीरीज का सनराइज ब्लू कलर, एंड ये कलर काफी स्पेशल कलर है एंड स्पेशली ये मेरा भी काफी फेवरेट कलर है। तो चलिए फोन को हम बाद में तो डिटेल में देखेंगे, उससे पहले देखेंगे बॉक्स में और क्या कुछ मिल जाता है। उसके बाद आपको चार्जिंग एडाप्टर मिल जाता है जो कि आप देखेंगे 65W का है, तो आउटपुट रेटिंग देख सकते हैं 10W है, 6.5 एम्पियर है, मतलब कि 65W का चार्जर है। इसके बाद आपको मिल जाती है डेटा केबल जो कि USB टाइप सी डेटा केबल मिल जाती है। तो दोस्तों इतने सारे आपको बॉक्स कंटेंट मिल जाते हैं Realme 9 Pro Plus सीरीज में। तो चलिए डिटेल में देखेंगे Realme 9 Pro Plus स्मार्टफोन को। तो दोस्तों इस फोन का जो कलर है सनराइज ब्लू कलर है एंड काफी स्पेशल एडिशन का कलर है, जो कि यहाँ पे देखेंगे आउटडोर में कलर चेंज करता है, जैसे कि इंडोर में देखेंगे ब्लू कलर है एंड अगर हम जाएंगे आउटडोर में तो आउटडोर में देखेंगे यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है जो कि पिंकिश कलर मिल जाता है। इतना ज्यादा डार्क पिंक कलर तो नहीं बन जाएगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा आपको पिंकिश कलर मिल जाएगा। एंड दोस्तों नीचे के साइड में देखेंगे आपको जो चमकीले टेक्स्ट पार्टिकल वो भी यार काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। चलिए इस फोन के फिजिकल ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे, तो इस फोन के राइट साइड में आपको पावर बटन मिल जाता है, सिर्फ पावर बटन मिल जाता है क्योंकि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आपको यहाँ पे डिस्प्ले में मिल जाता है। फोन के लेफ्ट साइड में आपको हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट मिल जाता है एंड वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाते हैं, वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन बटन। एंड ये जो हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट है जिसमें आप दो नैनो सिम कार्ड बस एक साथ इंसर्ट कर सकते हैं। फोन के बॉटम साइड में देखेंगे 3.5mm ऑडियो जैक मिल जाता है, माइक्रोफोन मिल जाता है, उसके बाद चार्जिंग स्लॉट है एंड प्राइमरी आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाता है। टॉप साइड में देखेंगे तो टॉप साइड में ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक मिल जाता है, दैट्स इट। इसके बाद दोस्तों डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, तो इस फोन के जो बैक है यहाँ पे ग्लास बैक मिल जाता है। वैसे कौन सा ग्लास मटेरियल यहाँ पे तो मेंशन नहीं किया है, बट आपको ग्लास बैक डिजाइन मिल जाता है। साइड की जो एजेस है आपको फ्लैट मिल जाता है, मतलब कि आपको बॉक्सी डिजाइन मिल जाता है। एंड ये जो सनराइज ब्लू कलर है काफी स्पेशल कलर है क्योंकि आउटडोर में देखेंगे यहाँ पे कलर को चेंज करता है, जैसे कि वीवो V23 में चेंज होता है। इसके इन हैंड फील के बारे में बात करेंगे तो काफी लाइट डिवाइस है, काफी हैंडी डिवाइस है। एंड दोस्तों इसका जो फिंगरप्रिंट यहाँ पे काफी नीचे है, थोड़ा सा ऊपर होना जरूरी था क्योंकि फिंगरप्रिंट का सेंसर इतना नीचे है कि अनलॉक करते करते फोन नीचे गिर भी सकता है। एंड इसके बाद दोस्तों इस फोन का जो हैप्टिक है काफी बेटर है, इस बार Realme ने देखेंगे इस फोन के लिए काफी बेटर काम किया हैप्टिक फीडबैक के लिए, क्योंकि दोस्तों टाइपिंग करते वक्त जो टच का फील यार काफी बेटर एंड शानदार आपको इस फोन में मिल जाएगा। सो हैप्टिक इसका काफी बेटर आपको इस बार देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे इस फोन के डिस्प्ले के बारे में, तो इस फोन का जो डिस्प्ले है 6.4 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले है एंड 90Hz आपको यहाँ पे अल्ट्रा स्मूथ रिफ्रेश रेट मिल जाता है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है एंड जो प्रोटेक्शन है आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। एंड इसके अलावा आपको वाइड बैंड 11 का भी सपोर्ट मिल जाता है, जिसके मदद से Amazon Prime या फिर Netflix के जो कंटेंट है फुल HD प्लस में देख सकते हैं। एंड दोस्तों डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो काफी आउटस्टैंडिंग आपको यहाँ पे कलर्स मिल जाते हैं, पिक्सल देख सकते हैं, उसके बाद देखेंगे जो पंची कलर से कॉन्ट्रास्ट लेवल देखेंगे काफी बेटर आपको इस फोन में मिल जाता है, क्योंकि दोस्तों सुपर एमोलेड पैनल है प्लस आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। सो ऑब्वियसली आपको जो डिस्प्ले क्वालिटी है काफी बेटर ही निकल के आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों इस फोन के कैमरे के बारे में बात करेंगे तो 50 megapixel का OIS कैमरा मिल जाता है Sony MX766 सेंसर के साथ,
आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल है एंड 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे मैक्रो लेंस मिल जाता है। एंड इसके बाद दोस्तों सेल्फी कैमरे के बारे में बात करेंगे तो सेल्फी कैमरा आपको 16 मेगापिक्सल का AI सुपर सेल्फी कैमरा मिल जाता है। एंड दोस्तों फर्स्ट इंप्रेशन में मैंने कुछ फोटोज एंड वीडियोस इस फोन से कैप्चर किए, सो वन बाय वन यहाँ पे आप चेकआउट करके देख सकते हैं। वैसे दोस्तों फोटोग्राफी करने के लिए जो फोन है ना काफी बेस्ट चॉइस रहने वाला है। फोटोग्राफी के साथ साथ अगर आपको कुछ OIS जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग करना है या फिर स्टिल फोटोग्राफी करना है तो काफी बेटर आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। वैसे दोस्तों ये जो फोन है ना कैमरे के लिए स्पेशली बना है, तो कैमरे के जो रिजल्ट है काफी अच्छे आपको निकल के आ जाते हैं। इंडोर में या फिर आउटडोर में काफी बेटर आपको रिजल्ट्स देता है। एंड दोस्तों बात करेंगे इसके वीडियोग्राफी के बारे में, क्योंकि इसमें आपको OIS का कैमरा मिल जाता है। सो मैंने यहाँ पे एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके देखा है तो यहाँ पे फुल HD प्लस में जो 60 FPS में OIS काफी बेटर वर्क करता है, बट यहाँ पे 4K में ज्यादा आपको बेटर स्टेबिलाईजेशन देखने को नहीं मिलता। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे इस फोन के परफॉर्मेंस मतलब की प्रोसेसर के बारे में, तो इस फोन में आपको MediaTek Dimensity 920 का 5G चिपसेट मिल जाता है। हालांकि दोस्तों कितने 5G बैंड्स अभी तक यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट मिनिमम यहाँ पे 5 5G बैंड्स हो सकते हैं। एंड ये जो प्रोसेसर है 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। इसके बाद दोस्तों बेंचमार्क स्कोर के बारे में बात करेंगे तो Geekbench स्कोर मतलब कि सिंगल स्कोर देखेंगे 796 का इसका स्कोर निकल के आ जाता है। एंड दोस्तों मल्टी स्कोर के बारे में बात करेंगे 492,000 से भी ऊपर इसका स्कोर निकल के आ जाता है। मतलब कि दोस्तों इसमें जो गेमिंग है एक्सट्रीम लेवल तक गेमिंग कर सकते हैं, काफी नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी। एंड इसके बाद दोस्तों बात करें अगले टेस्ट के बारे में जो कि है CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट। एंड 5 मिनट के CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट में देखेंगे CPU का जो परफॉर्मेंस है आपको 91% मिल जाता है। बीच में देखेंगे कभी कभार यहाँ पे सडनली यहाँ पे थ्रॉटल हो रहा था, बट यहाँ पर मैक्सिमम देखेंगे 90 से ऊपर आपको बेटर परफॉर्मेंस मिल जाएगी। एंड दोस्तों PUBG या फिर BGMI ग्राफिक्स के बारे में बात करेंगे तो स्मूथ में देखेंगे एक्सट्रीम लेवल तक यहाँ पे गेमिंग कर सकते हैं, बैलेंस में देखेंगे हाई या फिर अल्ट्रा तक गेमिंग कर सकते हैं, HD में जाने के बाद भी देखेंगे अल्ट्रा में गेमिंग कर सकते हैं, उसके बाद HDR में भी जाने के बाद अल्ट्रा में गेमिंग कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए देखेंगे अल्ट्रा HD इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, बस HDR में देखेंगे अल्ट्रा तक यहाँ पे गेमिंग कर सकते हैं। मतलब दोस्तों 60 FPS तक देखेंगे आपको नॉर्मल गेम प्ले मिल जाएगा। एंड इसके बाद दोस्तों ऑडियो ग्राफिक्स के बारे में बात करेंगे, हाई एंड अल्ट्रा आपको यहाँ पे ऑडियो ग्राफिक्स भी सपोर्ट करता है। एंड दोस्तों गेम प्ले के बारे में बात करेंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गेमिंग आपको काफी स्मूथ एंड बेटर मिल जाएगी, जायरो वगैरह देखेंगे काफी बेटर आपको मिल जाता है। वैसे दोस्तों गेमिंग में आपको ज्यादा कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम तो देखने को नहीं मिलेगा, 60 FPS तक देखेंगे नॉर्मली आप यहाँ पर आराम से गेमिंग कर सकते हैं। एंड स्मूथ में देखेंगे एक्सट्रीम लेवल तक आप आसानी से गेमिंग कर सकते हैं। फ्रेम ड्रॉप के बारे में बात करेंगे तो ज्यादा कुछ खास यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलेंगे, सो ओवरऑल आप देखेंगे गेमिंग भी आपको इस फोन में काफी बेटर लेवल की मिल जाएगी। बैटरी बैकअप एंड चार्जिंग के लिए इस फोन में आपको 4500 mAh की बैटरी बैकअप मिल जाती है एंड 60W सुपर डॉट चार्जिंग इस फोन में आपको सपोर्ट करता है। लेकिन दोस्तों इन दी बॉक्स आपको 65W सुपर डॉट चार्ज आपको मिल जाता है, मतलब कि चार्जर मिल जाता है। फोन को स्टार्ट करने के बाद आपको फोन में कुछ ब्लॉटवर्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि छोटे मोटे यहाँ पे शॉर्ट वीडियोस के एप्लीकेशन है जैसे कि स्नैपचैट है, मौज है, जोश है, उसका देखेंगे कुछ आपको यहाँ पे बैंकिंग या फिर जो बिजनेस वगैरह यहाँ पर एप्लीकेशन भी मिल जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको अनइंस्टॉल करना है तो उनको अनइंस्टॉल इजिली कर सकते हैं। एंड दोस्तों रियलमी 9 प्रो प्लस या फिर रियलमी 9 प्रो दोनों स्मार्टफोन ऐसे जिनको आउट ऑफ द बॉक्स रियलमी UI 3.0 एंड्रॉइड 12 का अपडेट आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। एंड दोस्तों डायनेमिक रैम के बारे में बात करेंगे तो 5GB तक देखेंगे यहाँ पे रैम को एक्सपांड कर सकते हैं। एंड दोस्तों इस फोन में आपको एंड्रॉइड 12 का अपडेट मिलता है, तो जो यूजर एक्सपीरियंस है आपको टोटली एंड्रॉइड 12 जैसा ही मिल जाता है, पूरा मटेरियल यू आपको फीलिंग देगा। एंड दोस्तों इस फोन के स्पेशल फीचर्स के बारे में बात करेंगे जिसमें आपको हर्ट रेट मेजरमेंट का फीचर मिल जाता है। सो यहाँ पे रियलमी लैब में जाने के बाद आपको हर्ट रेट मेजरमेंट का फीचर मिल जाएगा। सो फिंगरप्रिंट का जो सेंसर है, फिंगरप्रिंट के सेंसर पे फिंगर रखने के बाद आप आसानी से यहाँ पर मेजरमेंट कर सकते हैं, बट इसके एक्यूरेट रिजल्ट के बारे में अभी तो कुछ नहीं बोल सकता। इसके लिए मैं आपको एक डिटेल में एक वीडियो बना के दे दूंगा इसके हर्ट रेट मेजरमेंट के फीचर के लिए। एंड फाइनली दोस्तों इस फोन में आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के लिए देखेंगे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का फीचर मिल जाता है एंड साथ ही साथ आपको फेस अनलॉक का भी फीचर मिल जाता है। एंड दोस्तों इसके इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का जो स्पीड यार काफी इंप्रेसिव वे आप देखेंगे, जस्ट टच करने के बाद आपको जो फोन यहाँ पर अनलॉक हो जाता है। सो फिंगरप्रिंट का जो स्पीड है काफी फास्टर है, बट थोड़ा सा नीचे हो गया, इसका जो सेंसर है थोड़ा सा ऊपर होना जरूरी था। एंड इसके बाद दोस्तों फेस अनलॉक फीचर के बारे में बात करेंगे जो कि आउटस्टैंडिंग है। आप देखेंगे फोन का जो स्क्रीन है यहाँ पर ब्लिंक होते ही फोन यहाँ पे अनलॉक हो जाता है, मतलब कुछ ही सेकंड में देखेंगे आपका फोन यहाँ पे अनलॉक हो जाता है। तो फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक दोनों का जो स्पीड है काफी बेटर आपको मिल जाता है। सो फ्रेंड्स बस यही है Realme 9 Pro Plus का पूरा पैकेज। सो आज के सीरीज में मैं आपको बस इसी Realme 9 Pro Plus का अनबॉक्सिंग, क्विक रिव्यू, फर्स्ट इंप्रेशन सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला था। सो फ्रेंड्स वीडियो कहीं ना कहीं पसंद आ चुकी होगी, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।